नमस्ते दोस्तों, आपका स्वास्थ्य के इस नए वीडियो में सभी का बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं डेक्सोरिन सिरप की। तो पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहे, क्योंकि इस वीडियो में हम इस सिरप से जुड़ी सभी बातों को उजागर करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपके कमेंट्स को सबसे पहले रिप्लाई के लिए और आने वाले सभी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए आप प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, और हाँ, बगल वाले बेल आइकॉन पर भी जरूर क्लिक कीजिएगा। तो डेक्सोरिन एक एलोपैथी मेडिसिन बेस्ड सिरप है जो खून की कमी की अवस्था में इस्तेमाल किया जाता है, यानी ये लो हीमोग्लोबिन के पेशेंट में इस्तेमाल होता है। डेक्सोरिन सिरप में फेरिक अमोनियम साइट्रेट, विटामिन B12 यानी काइनोकोबालामिन, विटामिन B9 यानी फॉलिक एसिड और अल्कोहल ये प्रमुख सामग्री के रूप में शामिल है। डेक्सोरिन सिरप के मुख्य लाभ या फिर उपयोग को देखा जाए तो ये पुराने खून की कमी जो आयरन के अपर्याप्त सेवन से, गर्भावस्था तथा स्तनपान के कारण या फिर एनीमिया के कारण होती है, ऐसी अवस्थाओं में इसका इस्तेमाल किया जाता है और ये हीमोग्लोबिन को बहुत अच्छी मात्रा में बढ़ा देता है। आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 की कमी के कारण डिफॉर्मिक एनीमिया के उपचार में इसका उपयोग बहुत अच्छे से किया जाता है। भूख की कमी, सामान्य कमजोरी, पोस्ट सर्जरी और अन्य प्रकार के वीकनेसेस में भी ये काफी सहायक होता है। जिन लोगों में थोड़े से काम के बाद बहुत थकावन, आंखों के सामने अंधेरा आना ऐसे लक्षण होते हैं, उन लोगों को एक ट्रीटमेंट में ये बहुत अच्छा काम करता है। अब जानते हैं कि इसके खुराक कैसे लिए जाता है। वयस्क लोगों के लिए भोजन के बाद दिन में 2 बार 1 चम्मच सिरप का सेवन किया जाता है। छोटे बच्चों के लिए बिना डॉक्टरी सलाह के इसे आप बिल्कुल ना लीजिएगा। इस सिरप के बारे में कुछ सुरक्षा जानकारियां हैं। जैसे इसके उपयोग से पहले आप इसका लेबल को ध्यान से पढ़ लीजिए, यानी इसकी एक्सपायरी डेट वगैरह देख लीजिएगा। आपको जो सलाह मिली है उससे अधिक खुराक बिल्कुल ना लीजिए। इसको बच्चों की पहुंच और दृष्टि से बाहर रखिए। तो दोस्तों, ये थी जानकारी सिरप डेक्सोरिन की। यदि आपको इसके बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक से इसके बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम ये आशा करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए जरूर फायदेमंद होगी। आपके इससे जुड़े सवाल हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें। हम बहुत ही जल्दी एक ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर से लौटेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।